जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और अनुच्छेद 370 को कमजोर करने का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस विरोध की अगुवाई की है और इस बीच गुलाम नबी आजाद आज श्रीनगर दौरे पर हैं, जहां पर वो कांग्रेस नेताओं के साथ इस मसले पर बैठक कर सकते हैं। कश्मीर जाने से पहले आजाद ने अजीत डोभाल के वीडियो पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि आप पैसा देकर किसी को भी साथ ला सकते हैं। आजाद के इस बयान का बीजेपी ने कड़ा विरोध भी किया है और जोरदार पलटवार किया। तो आजाद के बयान से अब बीजेपी भड़की है। गुलाम नबी आजाद श्रीनगर के दौरे पर हैं, लेकिन इस बीच अजीत डोभाल की जो तस्वीरें सामने आई, जब कश्मीरियों के साथ उन्होंने खाना खाया, उस तस्वीर को देखकर उन्होंने व्यंग मारा और कहा कि आप पैसा देकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बयान के बाद अब बीजेपी भड़की है। बीजेपी की तरफ से पलटवार भी इस बयान को लेकर किया गया। सामने आ रही है जहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं, वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। सामने आ रही है जहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं, वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। सामने आ रही है जहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं, वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। सामने आ रही है जहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं, वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। सामने आ रही है जहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं, वो पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। सामने आ रही है, बहुत दुखद स्टेटमेंट है। दिन पर दिन पैसा लेना, पैसा देना, बिकना है, ये कल्चर कांग्रेस पार्टी की है। खुद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पैसे के लेन देन के मामले में, करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले में आज बेल पे बाहर है। उनको क्या लगता है सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। एक तो 70 साल तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, कश्मीर की व्यवस्था, कश्मीर की अवस्था खराब से और बदतर की ओर ले गए, और आज कश्मीरियों को गाली दे रहे हैं। कम से कम कश्मीरियों को गाली देने का तो काम ना करें, हाथ बढ़ाएं, एक साथ हम मिलके चलें। आज आर्टिकल 370 हटने के कारण डेवलपमेंट की एक बयार बहने वाली है कश्मीर में, तो कांग्रेस जो है वो बॉक्स आई।